ए विरु, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धनु क्या टांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिवजी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ, ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के खुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम चमत्कार हो गया, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया, वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले चार सोमवार और लग जाए। देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफिजुल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, यूं के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो